गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.7, टेंजेंट 45 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ 45 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मिड टेंजेंट ऑफ 2x। हमें प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। टेंजेंट 45 प्लस एक्स को साइन 45 प्लस एक्स अपॉन कोस 45 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही टेंजेंट 45 माइनस एक्स को साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम कोस 45 प्लस एक्स इंटू कोस ऑफ 45 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। दोनों का एलसीएम बेटा कोस 45 प्लस एक्स ये कैंसिल, साइन 45 प्लस एक्स को कोस 45 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। माइनस कोस 45 माइनस एक्स से कोस 45 माइनस एक्स कैंसिल, साइन 45 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कोस 45 प्लस एक्स से। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी एक्चुअली क्या है कि आपने ये फार्मूला पहले ही पढ़ रखा है। 3.6 एक्सरसाइज में आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन इस पूरे को ए एंगल मान लो, 45 प्लस एक्स को ए एंगल, और कॉस 45 माइनस एक्स को बी माना गया है माइनस। सोचो 45 प्लस एक्स को ए कह रहा हूँ तो यहाँ 45 प्लस एक्स ये जिसको ए नाम दिया गया है, और 45 माइनस एक्स को बी कहा तो इसको बी कहना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी। ए मतलब 45 प्लस एक्स, माइनस बी मतलब 45 माइनस एक्स। ये पूरी वैल्यू नीचे एज इट इज़, माइनस अंदर ले जाएंगे 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर लेने प्लस का एक्स बनेगा यानी कि साइन 2x बन जाएगा, और कोस 45 प्लस एक्स इट इज़, कोस 45 माइनस एक्स इट इज़। बेटा इसमें अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। ये क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नीचे, क्योंकि नीचे कोस 45 प्लस एक्स इंटू कोस 45 माइनस एक्स बच रहा है। ठीक है, तो याद करो फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रीजन है 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला, जो इसी एक्सरसाइज का फार्मूला है जिसमें केवल 4 ही फार्मूले बताए गए हैं। तो सारे फार्मूले याद करो, 2 कॉस ये ए एंगल बन जाएगा बेटा, 2 कॉस ए ये कॉस ऑफ बी, 2 कॉस ए और ये कॉस बी। ठीक है, 2 साइन 2x एज इट इज़ आ गया, 2 साइन 2x एज इट इज़ आ गया हमारे पास। और अब चेक करना फार्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है। कॉस ए, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बेटा ये ए 45 प्लस एक्स में से माइनस कर दिया बी एंगल को, बी एंगल को जैसे ही माइनस करूँगा ये 45 तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाता है हमारे पास, 2 साइन 2x इट इज़ बच जाता है बेटा। x से x कैंसिल, 45 प्लस 45 90 कोस 90 प्लस ये आ गया 45 से 45 कैंसिल, x प्लस x 2x कोस ऑफ 2x आ जाएगा। क्लियर, हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 साइन 2x इट इज़ आ गया। 2 साइन 2x इट इज़ लिखने के बाद हमारे पास कोस 90 डिग्री 0 होता है और कोस 2x इट इज़ बचा हुआ है, इसको 0 बना तो 0 प्लस कोस 2x, कोस 2x बचेगा। साइन बाई कोस 2x क्या होता है, टेंजेंट 2x होता है, बस हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 4 साइन अल्फा इंटू में साइन ऑफ अल्फा प्लस 60 डिग्री इंटू में साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा। प्रूव करना है बेटा, जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं 9 बीच में छुड़वा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सेम टू सेम है, जैसे 10th करवा रहा हूँ वैसे ही 9th अपने आप करके देखना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 4 साइन अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस 60 डिग्री इंटू में अल्फा प्लस 120 डिग्री। हमने क्या करा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 डिग्री को एज इट इज़ बाहर निकाल दिया, साइन अल्फा और साइन ऑफ अल्फा प्लस 60 एज इट इज़ लिख लिया। अब ये तीन टर्म्स यहाँ पे बनी हुई है, 1, 2 और 3, इस तीनों में से कोई भी दो टर्म एक साथ ले लो, तीसरी टर्म को बाहर निकाल दो ऐसे। आप चाहते तो साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 के साथ साइन अल्फा को ले सकते थे, या तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं या इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आएगा, या इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, जैसे मर्जी करें वैसे कर लो। अच्छा, इस चार में से दो यहाँ लगा दिए, दो क्योंकि दो दूनी चार ही तो होता है, टू यहाँ लगा दिया, टू यहाँ पे, टू साइन अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस 60 डिग्री साइन ऑफ अल्फा प्लस 120। ऐसा क्यों करा आप जानते हो, इसी एक्सरसाइज के चार फार्मूले जो पढ़ रहे हैं इसी एक्सरसाइज के, उसमें से एक फार्मूला जो यहाँ बन रहा है, टू साइन ए ये पूरा एंगल ए, टू साइन ए साइन ऑफ दिस इज बी, इसी एक्सरसाइज में फार्मूला है टू साइन ए साइन बी का फार्मूला। अब जानते हैं टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या था, अगर चेक करें, टू साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी,
टू साइन एस एन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ चलो अप्लाई करते हैं, टू एज इट इज टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या बता रखा है, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला कॉस ऑफ ए, ए मतलब अल्फा, में से सब्ट्रैक कर दो बी, बी मतलब ये सब्ट्रैक करना है बेटा, बी एंगल अल्फा प्लस 60 डिग्री, इसको सब्ट्रैक करेंगे तो माइनस का अल्फा और माइनस का 60 डिग्री आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए का मतलब अल्फा, ए प्लस दिस इज बी, ये पूरा बी एंगल है, समझ गए, तो ए प्लस बी साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 एज इट इज आ जाएगा, टू कॉस अल्फा से अल्फा कैंसिल, कॉस ऑफ माइनस 60 माइनस कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस 60, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा टू साइन ऑफ, अब तो बेटा क्या करना है, इतना कर लिया, इतना करने के बाद ये जो पूरी वैल्यू है साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 इसको मैं अंदर ले जाता हूँ और टू को भी मैं अंदर ले जाता हूँ, मतलब टू और ये पूरा वैल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 इस दोनों को अंदर लेके जाएंगे तो वो दोनों, ये दोनों वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होंगी और इससे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक ये रही और दूसरी ये रही, तो टू ये लिख दिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 ये लिख दिया, कॉस ऑफ माइनस 60 बेटा ये रहा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 60 तो कॉस ऑफ 60 होता है आप जानते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, माइनस का निशान ये आया, ये टू आ गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 एज इट इज कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस 60 बेटा ये आ गया, कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस 60, क्लियर, टू आ गया कोस ऑफ टू अल्फा प्लस 60 यहाँ लिख लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 आ गया। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, टू साइन अल्फा प्लस 120 कोस 60 डिग्री आप जानते हो 1 बाई टू होता है, कोस 60 डिग्री वैल्यू डाल दी क्या 1 बाई टू माइनस, ठीक है जी, माइनस कोस 60 डिग्री 1 बाई टू माइनस निशान। अच्छा इसके अंदर हमने क्या करा, इसमें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ अल्फा प्लस 20, अल्फा प्लस 120 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जानते थे 1 बाई टू रख दिया, लेकिन इसमें चेक करना बेटा इसमें 2 आ रहा है, इसके साथ साइन के साथ कोई एंगल आ रहा है और एक कोस के साथ कोई एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब 2 है साइन के साथ एक एंगल है फिर कोस के साथ, तो ये फार्मूला बना सकते हैं इसका, 2 साइन दिस इज ए एंगल, 2 साइन दिस इज ए एंगल और दिस इज बी एंगल, कंपेयर कर लो उन फार्मूलों को, आप अपने सामने रखा करो, जब इस वीडियो को देख रहे हो सब बच्चे तो इनसे जितने भी फार्मूले मैंने बता चुके हैं उस सारे फार्मूले अपने सामने रखो और इस जो एक्सरसाइज चल रही है उसका फार्मूला देखते रहा करो, भाई ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, जैसे चेक करो टू साइन दिस इज ए एंगल, टू साइन ए कॉस ऑफ बी, बेटा टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए, ए मतलब अल्फा प्लस 120, ए प्लस बी, बी मतलब टू अल्फा प्लस 60 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए मैंने भी चेक करो बेटा, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए कितना है अल्फा प्लस 120 बेटा ए है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो दिस एंगल, ए माइनस बी करना है ना, बी सब्ट्रैक्ट करना तो बी मतलब ये होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 12 और माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर रखिए, यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए क्रॉस कर रखी क्योंकि बेटा ये जो इसके ऊपर पूरे पे फार्मूला लगा है, इस पूरे का फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया, ठीक है, माइनस बाहर है ताकि अंदर के साइन बदलें अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो, ठीक है जी। अच्छा अब चेक करते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस, यहाँ पे जो बचा है टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा और 120 के अंदर 60 होते 180 प्लस साइन एज इट इज, ठीक है जी, साइन आ गया, यहाँ तक आ चुके बेटा, ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस 180 प्लस साइन एज इट इज 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बनेगा और 120 में से 60 सब पटा करो 60 आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे चेक करो, चले बेटा साइन ऑफ, अच्छा इस साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 जगह मैंने ये लिख रखा है, देखो साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 की जगह मैंने साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 और माइनस को अंदर ले गया माइनस साइन ऑफ 180 प्लस 3 अल्फा, ठीक है ना, ये पूरा एंगल इसके साथ था, ये माइनस का हो गया पूरा रिजल्ट, ठीक है, एंगल के अंदर कोई एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, ठीक है, अभी हम कुछ सिर्फ बार लगा के रखेंगे माइनस को। अच्छा प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस 60 लिख सकता हूँ, ये चीज लिख दिया, ये हम प्लस की जगह माइनस आ गया। अब आप सोचो कि इसकी इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, ये सब बच्चों को आता है, 1% भी मुश्किल नहीं है बेटा, देखो कैसे मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, चलो देखते हैं कैसे चेंज किया गया है, यहाँ समझाना चाहूँगा आपको, देखो बेटा
मैं किसको बदल रहा हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 है, इसको साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस 120। जो आंसर चाहिए मुझे किस में चाहिए, 60 डिग्री में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं 120 को 60 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 120 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 प्लस अल्फा, लिखा जा सकता है 180 में 60 सपोर्ट 120 प्लस अल्फा, ये रहा। अच्छा, इसको अब मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा माइनस 60, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस बनाने के लिए कर दिया है तो बेटा और कुछ नहीं है। बोलो समझ पाए, ठीक है जी। 180 को 90 से डिवाइड कर दो, 180 को 90 से डिवाइड कर दिया कर दे, 2 इवन, इवन का मतलब नो चेंज, तो साइन एज इट इज अल्फा माइनस 60, क्लियर हो गया, साइन ऑफ अल्फा माइनस 60। लेकिन 180 प्लस, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस, 180 प्लस क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ऐसे, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 आ गया, ठीक है माइनस आएगा, लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 आ गया, ये बात समझ में आई नहीं आई, इसको ध्यान दो, इस तरफ ध्यान दो, अल्फा प्लस 120 था, 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, 180 में 60 सबट्रैक्ट करेंगे 120 आएगा प्लस अल्फा ये रहा, ठीक है जी। अब इस पूरी वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस अल्फा यहाँ लिख दो और माइनस 60 इसके साथ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है जी। अच्छा, 180 को 90 डिवाइड किया, 2 इवन नंबर, नो चेंज, साइन इट इज, साइन साथ अल्फा माइनस 60 इट इज, लेकिन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन ऑफ अल्फा माइनस 60, माइनस का साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 आ गया। अच्छा, ये एज इट इज आ गया था, ये भी पूरी वैल्यू एज इट, ये प्लस का माइनस आ गया था, ठीक है। ये साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 प्लस, अच्छा इसको कैसे लिख दिया, इसको कैसे लिखा, सोल्व कर लिया, 180 को 90 डिवाइड किया, 2 आया इवन नंबर, नो चेंज, साइन एज इट इज साइन ऑफ 3 अल्फा, लेकिन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस का बन जाएगा, क्लियर है। और माइनस का साइन ऑफ, इसमें से बेटा क्या करा, ये माइनस का था तो ये माइनस का लगा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा और अल्फा माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, इसमें कुछ थोड़ी सी गलती महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होगा ना, तब तक साइन 3 अल्फा कैसे आएगा, नहीं आएगा, यहाँ कुछ गलती कर दी मैंने। अच्छा जी, ये अल्फा प्लस 120 आ गया था, इसको 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, इसको बेटा एक काम करें, इसको ऐसे लिख ले तो अल्फा प्लस 120 ये आ गया था, इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस कॉमन, तो अल्फा माइनस 60 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो 60 माइनस अल्फा होगा बेटा, बेटा इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है, एक बार गलती इसमें चेक करो बेटा क्या है गलती, मैंने मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई इसके अंदर, अब मैं इसको ठीक करूँगा तो दिक्कत आएगी मुझे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 आ गया, माइनस साइन ऑफ कितना आ गया था, 3 अल्फा प्लस 180 आ गया था। अच्छा जी, 2 साइन ए, कॉस बी का फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, अल्फा प्लस 120 सबट्रैक्ट किया था, माइनस का 2 अल्फा माइनस 60, साइन ऑफ 3 अल्फा माइनस प्लस का 180 प्लस साइन, और ये बन जाएगा माइनस का अल्फा, ये बन जाएगा प्लस का 60, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 है, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 बेटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 120 180 माइनस 60 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है जी। एक मिनट इसको चेक कर ले बेटा, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, साइन ऑफ 180 माइनस कॉमन निकालना चाहे तो निकाल लें, माइनस कॉमन निकालने पर क्या बनेगा, 60 माइनस अल्फा, ठीक है जी, 180 से डिवाइड, 2 इवन नंबर, नो चेंज, साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा, ठीक है जी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव था, साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस 120 को 60 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 60 माइनस अल्फा प्लस का 60 माइनस अल्फा, या फिर इसको इसमें माइनस कॉमन निकालो तो क्या जाएगा, माइनस अल्फा माइनस का 60 लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस का 60 लिख दिया,
ठीक है, ये तो ठीक है। माइनस का साइन ऑफ 180 प्लस 3 अल्फा जाएगा, ठीक है जी। साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस 60 बच रहा था, तो माइनस माइनस का जाएगा माइनस अल्फा प्लस 60, ये एडिटिज आ गया। माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 60 प्लस साइन ऑफ 3 अल्फा, आप जानते हो कैसे है, लेकिन ये चीज़ क्या बन रही है हमारे पास, 60 माइनस अल्फा बन रहा है। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता बेटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो अल्फा माइनस 60 होगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये छोटी सी गलती हो रही थी, तो ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल और साइन ऑफ 3 अल्फा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। आपको आता है वैसे, अगर आपको सॉल्व करना आता है कोई दिक्कत हो फिर भी इसमें आप पूछ लेना मेरे से बाद में, ठीक है। अच्छा, आगे चल रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब 10वें क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। 10वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस टू साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी होता है। ये प्रूव करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब हमने क्या करा, डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और सीधा मैंने साइन ऑफ ए माइनस बी बेटा कॉमन निकाल लिया। क्या साइन ऑफ ए माइनस बी इस पूरे में है, क्या साइन ऑफ ए माइनस बी इस पूरे में है, मतलब इस पूरे में चेक करना है आपने, साइन ऑफ ए माइनस बी है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म ये, तो इसमें से मैंने साइन ऑफ ए माइनस बी दोनों में से कॉमन निकाला। यहाँ से साइन ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकालूँ तो एक साइन ऑफ ए माइनस बी बचेगा, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वेयर ए माइनस बी बराबर होता है साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे हो लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वेयर ए माइनस बी को साइन स्क्वेयर ए माइनस बी को साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसमें से एक साइन ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो एक साइन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास बचेगा। माइनस का निशान आ गया यहाँ पर, देखो ये रहा माइनस का निशान, साइन ऑफ ए माइनस बी इसमें से भी कॉमन, एक इसमें से कॉमन, तो यहाँ माइनस का टू साइन ए कॉस ही बच जाएगा, ठीक है जी। साइन स्क्वेयर ए एज इट इज प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या बच गया, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकाल चुके, तो यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी बच गया, ये बच चुका है। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, याद करवा रखा है, उसे लिखना है। साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एज इट इज आ गया। साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, आप सोचो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी रहा और यहाँ पे टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, दोनों एक जैसे हैं लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का टू है, तो माइनस का साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी बचना चाहिए और माइनस कॉस ए साइन बी एज इट इज आ गया। अब साइन स्क्वेयर ए एज इट इज साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्लियर, ये आया हमारे पास बेटा। अच्छा, तो यहाँ क्या बच गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन स्क्वेयर ए एज इट इज माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, ये फार्मूला किसका है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, ये साइन ऑफ ए प्लस बी, बेटा इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है याद करो, ये फार्मूला पहले ही समझा चुका हूँ, इससे पहले वाले जो वीडियो समझाए थे, इससे पहले वाले एक्सरसाइज 3.6 में लास्ट में जो सबसे लास्ट फार्मूला जो बताया था वो ये बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बराबर था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, माइनस अंदर ले गए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये वाला इज माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी, दोनों कैंसिल आउट होंगे और साइन स्क्वायर बी आंसर बचना चाहिए, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू में साइन ऑफ ए प्लस बी इसके बराबर था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पहले ही समझा चुका हूँ फार्मूला 3.6 एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ पे मैंने साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला बता रखा, जिस वीडियो में बता रखा है उसमें ये वाला फार्मूला बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता विद प्रूफ। 12th क्वेश्चन, अब 12th क्वेश्चन जो आया है बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात, जो 12th क्वेश्चन आया है 12th 13th और 14th बेटा तीनों के तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, सेम टेक्निक रहेगी। 12th का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, कोस 10 डिग्री कोस 50 डिग्री कोस 70 डिग्री प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू अंडरूट 3 अपॉन में 8 के बराबर होगा, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, कोस 10 डिग्री कोस 50 कोस 70 लेके चलता हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मैंने कोस 10 और कोस 50 को एक साथ ले लिया, देखो ये ले रखा, कोस 70 को बाहर निकाल दिया, लेकिन ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं कोस 70 को ही बाहर निकालूं, मैं चाहूं तो कोस 10 को भी बाहर लिख सकता हूं और कोस 50 को भी बाहर लिख सकता हूं, इन तीनों में से कोई दो एक साथ लेने पड़ते हैं, तीसरे को बाहर निकालना पड़ता है, किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/2 एज इट इज बेटा, कोस 70 को आगे लिख दिया है, ठीक है आगे लिख सकते हो।
अब जानते हो इसके अंदर ही मैंने एक फार्मूला, इसी एक्सरसाइज का एक फार्मूला है, टू कॉस ए कॉस बी, ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल क्या बी, 50 डिग्री को बी नाम दे दो और 10 डिग्री को क्या नाम दे दिया ए, टू कॉस ए कॉस बी, 1/2 कॉस 70 इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला पहले समझा चुका हूँ, चेक कर लो, इसी एक्सरसाइज का ही है। अच्छा, 1/2 कोस 70, कोस 60 डिग्री बन प्लस कोस 10 में से 50 माइनस का 40 बन जाएगा। 1/2 कोस 70, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है प्लस कोस ऑफ माइनस थीटा, बेटा कोस ऑफ थीटा के बराबर था, कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, जानते हैं, पहले समझा रखा है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम करना है, और जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हम फिर सोचेंगे इस बात प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि कोस 70 की वैल्यू नहीं जानता, कोस 40 नहीं जानता, तो एक ही तरीका है कि 1/2 कोस 70 को अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो देखते हैं क्या आएगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 कोस 70 को 1/2 से 1/4 कोस 70 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/2 कोस 70 इंटू में कोस 40, कोस 70 इंटू में कोस ऑफ 40। क्लियर है ये बात बेटा? ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 1/2 कोस 70 को कोस 40 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, 1/4 कोस 40 एज इट इज बेटा, कोस 70 सॉरी, अच्छा कोस 70 कोस 40 एज इट इज है, कोस 70 कोस 40 देखो एज इट इज लिख रखा है, लेकिन मैं इसका फार्मूला बनाना चाहता हूँ। फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँ बेटा, फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जो 1/2 था इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ये तो 2 यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, ये 1/2 1/4 में बदल जाएगा क्योंकि डिवाइड करा था ना बेटा, तो 1/4 कोस ऑफ 40, 1/4 2 कोस ऑफ 70 इनटू में कोस ऑफ 40। क्लियर, ये आया हमारे पास। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कोस 70, 1/4 क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका रीजन जानते हो, 2 कॉस ए कॉस बी फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, ये फार्मूला इसी एक्सरसाइज का है जब ही समझा रहा हूँ, 2 कॉस दिस इज ए एंगल एंड दिस इज बी एंगल, 1/4 कोस 70 एज इट इज बेटा, 1/4 कोस 70 एज इट इज, 1/4 ये रहा एज इट इज आ गया, ब्रैकेट शुरू, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है जी, ये आ चुका हमारे पास, 1/4 कोस 70 एज इट इज आ गया प्लस 1/4, लेकिन कोस 110 डिग्री बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कोस 110 डिग्री, 1/4 को बेटा इससे ही मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर बेटा 1/4 है, तो 1/4 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 इसके साथ भी आएगा, 1/4 कोस 70 में से 40 घटा दो, कोस ऑफ 30 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 कोस 70, अच्छा कोस 110 डिग्री को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी कभी 90 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा है ना तो उसको सॉल्व कर लिया करो, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा, कोस 110 डिग्री, कोस 110 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं चेक करो, 180 माइनस का 70 ऐसा लिख सकता हूँ, 180 को याद करो, 180 को 90 से डिवाइड करते थे, 2 इवन नंबर, नो चेंज कोस 80 कोस 70, लेकिन 180 माइनस 70 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा नेगेटिव, इसलिए माइनस का कोस 70, कोस 110 को माइनस कोस 70 लिख सकते हैं, इसलिए कोस 110 की जगह माइनस कोस 70 लिख दिया। ठीक है जी, माइनस कोस 70 लिख दिया, कोस 110 की जगह माइनस कोस 70 लिख दिया है, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, 1/4 एच डी कोस 30 डिग्री कितना, 3/2 तो 3/8 आना चाहिए, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है जी, ध्यान रखना भाई कैसे सॉल्व किया जाता, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वही फार्मूला हम अप्लाई करते जा रहे हैं बार बार, 12वें का सेकंड पार्ट समझाया बेटा अभी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 का पॉइंट नंबर 1, 13 का पॉइंट नंबर 1 चेक करना क्या है बेटा, 13 का पॉइंट नंबर 1 कहता है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 दैट इज इक्वल टू √3/16, प्रूव दिस रिजल्ट, हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है जी, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, मैंने क्या करा, क्या आप साइन 10 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हो कितनी है, क्या साइन 50 की वैल्यू जानते हो, क्या साइन 60 जानते हो, क्या साइन 70 जानते हो, हम साइन 60 जानते हैं बाकी कुछ नहीं जानते, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी, अब तीन टर्म बच गई, साइन 10, साइन 50, साइन 70, साइन 10 और साइन 50 को एक साथ ले लिया, साइन 70 को अलग लिख दिया, अब जानते हो तीन टर्म है उनमें से कोई भी दो एक साथ ले सकता हूँ, तीसरी को बाहर रख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला बनाना चाहते हैं, सीधी सी बात ये थी। ठीक है बेटा, तब क्या करें फार्मूला बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो √3/4 तो बन जाएगा, √3/2 ये आ गया, इनटू में 1/2 ये आ गया। क्लियर, अब इस पे फॉर्म लगा दो बेटा, इसके ऊपर लगाना फार्मूला, साइन 70 डिग्री बाहर एज इट इज हमारे पास है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला याद करो, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला ये होता था, फिर भी मैं याद करवा देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अगर इस फार्मूले को फॉलो करें, अगर इस फार्मूले को फॉलो करें तो चेक करना क्या आएगा, अंड रूट थ्री अपन में टू इंटू में वन बाई टू, जिट इज़ टू साइन ए साइन बी, ए का मतलब 10 डिग्री, बी का मतलब 50 डिग्री, कॉस ऑफ ए माइनस बी 10 माइनस 50 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 10 प्लस 50 साइन 70 बार, ये क्लोज ब्रैकेट, इस फार्मूले जो फार्मूला लगाया उसको क्लोज ब्रैकेट बंद कर दिया करो, साइन 70 आ गया। अच्छा तो क्या बन गया अब ये, अंड रूट थ्री अपन में फोर कॉस ऑफ माइनस 40 माइनस कॉस ऑफ 60 साइन 70, जिट इज अंड रूट थ्री अपन में फोर कॉस ऑफ माइनस 70 है बेटा और माइनस कॉस 60 साइन 70। एक काम करिए अब, साइन 70 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, साइन 70 को कोस 60 से करते हैं, चलो साइन 70 जिट इज़ कोस 60 डिग्री की वैल्यू जानता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2, क्लियरली पुट कर दी मैंने, डायरेक्टली पुट कर दी, क्लियर। अच्छा जी साइन 70 पुट करने के बाद, अच्छा साइन 70 को इसमें डाल दो, कोस माइनस 40 बेटा, कोस माइनस 40 कोस 40 के बराबर होता है, कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, कई बार समझा दिया है। अच्छा साइन 70 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन 70 भी आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाऊंगा, साइन 70 इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आया था, साइन 70 आ गया, कॉस 60 वैल्यू 1/2 पुट कर दी थी, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी तरफ से किया, इसमें इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, तो क्या आएगा साइन 70 कॉस ऑफ 40, ठीक है साइन 70 और कॉस 40 का मल्टीप्लाई आ गया, लेकिन 2 साइन ए कॉस बी बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, और साइन 70 को साइन कोस 60 से साइन 70 कोस 60 1/2 आ गया था, तो आप सोचो 1/2 दोनों के अंदर बना, एंड रूट थ्री अपन में फोर इट इज, एंड रूट थ्री अपन में फोर इट इज, बट ये 1/2 तो ये रहा, ये जो 2 था ना 2 के साथ 2 साइन 70 और कोस 40 माइनस, ठीक है 1/2 आगे लिख दिया साइन 70, क्या 1/2 दोनों में है, इस 1/2 को कॉमन निकाल लेते, कॉमन निकालते अंड रूट थ्री अपन में 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, अंड रूट थ्री अपन में 8 बन जाएगा, अंड रूट थ्री अपन में 8 बनने के बाद बेटा यहाँ पर क्या बच गया, 2 साइन 70 कोस 40 बच गया, माइनस का साइन 70 बच गया, ठीक है जी, अंड रूट थ्री अपन में 8 एज इट इज आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अंड रूट थ्री अपन में 8 डालने के बाद फार्मूला लगा सकते हो, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, एज इट इज 2 साइन ए कॉस बी, बेटा ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2 साइन ए कॉस बी ये रहा, सॉरी साइन ए साइन बी था, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दोबारा लिख देता हूँ, वैसे याद होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो उसके हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है जी, अगर इसके हिसाब से चलें तब चेक करना, एंड रूट थ्री अपन में 8 एज इट इज 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, एंड रूट थ्री अपन में 8 साइन ए प्लस बी 70 प्लस 40 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 70 माइनस का 40, ठीक है जी, समझ पा रहे हो आप, और माइनस का साइन 70 एज इट इज आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड रूट थ्री अपन में 8 बार था ही, और माइनस का साइन 70 एज इट इज आ गया। अच्छा साइन 110 डिग्री, एंड रूट थ्री अपन में 8 साइन 110 डिग्री एज इट इज आ गया, प्लस 40 70 में 40 साइन 30 डिग्री, और माइनस का साइन 70, यहाँ पे माइनस साइन 70 की जगह माइनस साइन 110 डिग्री लिख दिया, क्योंकि मैं साइन 70 को बेटा ऐसे बना सकता हूँ, चलो देखिए कैसे, साइन 70 को मैंने यहाँ बनाना सिखा रखा, साइन 70 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 170 डिग्री को 180 माइनस 110 लिख सकते हैं, 180 को 90 से डिवाइड करो 2 इवन नंबर नो चेंज, तो साइन इट इज साइन साथ 110 डिग्री, लेकिन 180 माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, प्लस का साइन 110, तो साइन 70 को मैं साइन 110 लिख सकता हूं, तो साइन 70 को मैं साइन 110 लिख सकता हूं, ठीक है जी, तो रूट थ्री अपन में 8 आ गया, साइन 110 डिग्री आ गया, प्लस साइन 70 में 40 घटाया, यहाँ पर साइन 30 आ गया, इसको साइन 110 लिख दिया, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, अंड रूट थ्री अपन मेड साइन 30 डिग्री 1/2 अंड रूट थ्री अपन में 16 आंसर आना चाहिए। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, 100% होगा, ठीक है ना, लेकिन सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा 13 का फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, बट 13 का फोर्थ पार्ट कहता है कि कोस 10 कोस 30 कोस 50 और कोस 70, इसको सॉल्व करें और इसको प्रूव करें कि दिस इज इक्वल टू 3/16, ये प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 3/16, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सीधा,
आपको 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, बाकी किसी की वैल्यू निकालना नहीं जानते। कोस 10 कितना होता है नहीं जानते, कोस 50 कितना होता है नहीं जानते, कोस 70 कितना होता है नहीं जानते। कोस 30 डिग्री सीधा लिख दो अंडर रूट 3/2, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, कोस 10, कोस 50, कोस 70। कोस 70 को बाहर रख दिया, कोस 10 और कोस 50 एक साथ ले लिए। अब फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और अब डिवाइड कर दिया। कोस 30 डिग्री का अंडर रूट 3/2 बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा हमने अपनी तरफ से, 2 से 2 काट दोगे तो वही आ जाएगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2 होती है। कोस 10 ये आ गया, कोस 50 ये आ गया, कोस 70 ये आ गया। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं? फार्मूला बनाने के लिए 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये अंडर रूट 3/4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, कोस 70 बाहर लिख दिया। अब मेन है सारा काम इसको सॉल्व करना। 2 कॉस ए कॉस बी, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A plus B, 10 plus 50 जोड़ेंगे 60, plus cos of A minus B, 10 में से 50 घटा देंगे, माइनस का 40, cos 70 बाहर है, ब्रैकेट में लिखना है सारी वैल्यू। ठीक है बेटा, 2 cos A cos B का फार्मूला cos A plus B plus cos of A minus B, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब अंडर रूट 3/4 इट इज कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, कोस माइनस 40 कोस 40 के बराबर होता है, जानते हैं कोस में से माइनस बाहर नहीं आता, कोस 70 इट इज। अंडर रूट 3/4 आ गया, कोस 70 को अंदर ले जाओ 1/2 कोस 70, कोस 70 को अंदर ले जाओ कोस 40 इंटू में कोस 70, क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा अब एक काम कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना। आप जानते हो कोस 70 डिग्री की वैल्यू नहीं जानता मैं, कोस 40 की नहीं जानता, कोस 70 की वैल्यू नहीं जानता, लेकिन बेटा फार्मूला तो बनाया जा सकता है। फार्मूला बनाने के लिए क्या करें? फार्मूला तो बना सकते हैं हम, फार्मूला बना लें। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि फार्मूला बने 2 cos A cos B, 1/2 इसके अंदर ही बन रहा है, 1/2 बेटा इसमें ही बन रहा है, ये प्लस का निशान है, ये ब्रैकेट के अंदर है सारा चीज़ें। ठीक है, अच्छा तो 1/2 जो दोनों के अंदर बन रहा है उसको कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कॉमन निकालती अंडर रूट 3/8 बन जाएगा। बताओ बेटा, अंडर रूट 3/8 बन गया। ठीक है जी, तो क्या क्या बच गया? कोस 70 बच गया, ये प्लस का निशान बीच में आ गया, 1/2 हटा चुके, 2 कॉस 40 कॉस 70 बच रहा है। सीधा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, लगा सकता हूँ 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, 1/2 पहले ही बाहर आ चुका, ये वाला 1/2 पहले ही बाहर आ चुका, 1/2 बाहर आने पे अंडर रूट 3/8 हो चुका था, कॉस 70 बच गया था, 1/2 बाहर आने पर ये क्या बन गया था? 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, अंडर रूट 3/8 कॉस 70 एजिटिस आ गया, कॉस 110 डिग्री बन गया, 40 में 70 रहेंगे, माइनस का 30 आएगा। ठीक है जी, फिर दोबारा अंडर रूट 3/8 कोस 70 एजिटिस, कोस 110 डिग्री को फिर सॉल्व कर लेता हूँ भाई। कोस 110 डिग्री बेटा आप दोबारा सॉल्व करके देख लेते हैं, कोस 110 डिग्री को सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ वैसे आपको आना चाहिए बेटा। कोस 110 डिग्री, कोस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू कोस 180 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 180 को